अलैकुम मरका धुप मुबारक थी गई। आज धुप निकती है तकरीबन तकरीबन 1 बजे के बाद। तो जिमें तो मैं दसाया कि ना इतना नेटवर्क है ना है बिजली, बिजली भी कहना है नेटवर्क ही कहना। हूँ तकरीबन टाइम थी ना पे 4:15 का, तो मैं हूँ वीडियो स्टार्ट करना पाया क्योंकि मोबाइल बंद था ना, मोबाइल चार्ज कर सकी ना वीडियो बनाई से। हूँ बिजली आई है तकरीबन 15-20 मिनट में मोबाइल को लाए कोई 20-25% थी गया। मैं कि चलो होवे आज दी वीडियो तो दोस्तों के नाल बना गिनू, तो सारे दोस्तों को धुप मुबारक थी गई। भला इतना नेटवर्क ही कह नहीं आता, बिजली वजे पे नेटवर्क ही वेने पिया। तो क्या हाल है, ठीक हो खरिया तो खुश हो फिट हो? मैं उम्मीद करना ठीक ठाक हो सो, खैरोफियत दे नाल हो सो। अल्लाह पाक सारे दोस्तों को सलामत रखे। गोदा जिमें सर्दी आई बिल्कुल ना ही पुछो हाल सर्दी का। तो मैं कि अज दी वीडियो दोस्तों के नाल लाजमी बनाऊँ, तो बकाया तुसा हाल भी दसो अपना क्या हाल चाल है क्या निज़ाम है। तो मैं तो इतनी वादा थे हूँ मैं वीडियो दोस्तों वास्ते लाजमी बनाऊँ क्योंकि बिजली कहना है डी सारा क्या अगली रात दा गई है। जिम्मे तो मैं दस ना मोबाइल ना सुकून ना कश यार, जल बिजली ना हो बंदा वाला एडो सरजा हो असा तो बिजली के बगैर रह नहीं सकते। ईमान नाल कल मैं केजरी कुड़ी सर्दी के बच्च वाप डाले ने कट्ठे खुद बता रह गया अपने मोटरसाइकिल के उत्ते उन्हें कोई चाहिए बता रह गया। मैं कह यार ठीक है होवे कुछ ना कुछ असाकू भी करना चाहिए उन्हें मुलाजमे के नाल वाला हर वेले उन्हें नाल रबते च रह गया। यार बिजली क्या है क्या मसला है, अलहमदुल्ला चंगा मेहनत करेंगे पान चंगा ही नाल सारा डी वर्क की ने हूँ बिजली चालू थी गई है तो मैं लिख लेना मोटर भी चलती भी है। रे हाल ठीक ही खुशी है रे अलहमदुल्ला। रे हाल सरजें का सरजा बहू हैं कट्टू सेठ चासे जी अच्छा मरका तो मैं दसा कि बिजली का होना बहु लाजमी होने क्योंकि हूँ पानी भी कहना हाथ मुँह भी बंदा ना धो सकता, नमाज वास्ते तंग तीना जल्द बिजली आवे ना ट्यूबवैल बंदा चलावे ट्यूबवैल गर्म पानी होते बंदा धा भी सकते वजू भी कर सकते हाथ मुँह भी। लेकिन जरी वाला बिजली ना हो पीछे ठठा पानी होते मुँह धोवा नहीं दिल नहीं आता। हूँ ताज़ा पानी निकलता पाया मैं मुँह को छट्टा मारे मी तो बिजली कोई सब जलील की थी पी इतना ना पूछो हाल बिजली के बगैर ना सारी कोई वीडियो अपलोड थी नहीं है ना। टाइम है सिज पहले तो गुड़ी खा गई ना से जो देखो लहाण वाला है बिल्कुल गुम थी वाला है। तो बिजली जिम्मे तो सिम कहना है हूँ बिजली आई है तो छोटा भिरा है मोटर चलाई पाए पानी लावना है ना ही को कणक को त्रीजा रिमार बिजली कहना है क्योंकि इतना जरा सारा सिस्टम है ना बिजली के नाल मोटर चला बिजली के नाल सिस्टम है शमसियाँ कह नहीं क्योंकि शमसियाँ के बाद इक्के दवा 5-6-7 लाख का खर्चा आंदा है ना ये बिजली है। चलो इन इंतजार ही होंगी है भोग ही होंगे बिल ही हर महीने लेने हूँ 12,000 रुपये का बिल आया पा तो पानी लगा पे तो मैं लिख लेना इस बरसिंद रा दी पे सारी बरसिंद है ये कणक बिन्ने बहवा लेंदी है ये जरी रहते प्यो तो इडो ये जरा बन्ना है चीरे का हिसाब है मकसद ये चीरा जरा नहीं साडा ये बिन्ने का ये बिरा छोटा पानी लग बद ये राह देरे बंदे तो पहले भी वीडियो तो दिखा लिया हमी ते कल है वाला अज में पानी तो खड़ता है कम शम शुदा करें लोफर नहीं फिर ये गाल है इन्हें बच्चे जल इन्हें घर के कम शम सारे करेंगे हालांकि पढ़ता वह पढ़ाई वाले बाल कम गुजरान करेंगे नहीं लगन इन हिम्मत है वाला ही करेंगे। सलाम अलैकुम
हाँ शहजाद खान दे हाल ठीक ही खरिया ते खुशी क्या हाल है? ठीक हो? फट फ्री है? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। देरे के वाले ही छुट्टियां थी गन जी? हाँ देरे के वाले हैं। कल अया क्या? क्या माहौल है देरे दा? ठीक है, माहौल जबरदस्त है। सर्दियां सर्दियां खुदा ना पहुंच। कल जरा सफर किए थे ना, ना मैं मुश्किल तरीन जिंदगी का सफर किए थे। क्या वजह? तू कल आया ही लेट ही मगरब को ही फुल सर्दी है चोई मोटरसाइकिल ते मरका साइकिल होते उड़ो सा खैर माने 10:30 बजे या इतना मगरब को कुछ इतना आस्ता है आस्ता बुला भी सको इतना सर्दी लगे इतना कोहरे धुंध है दी ते 10 बजे शाम ते 7 बजे आ पूजी तू इतना बुलाई प्रवास यानी स्लो स्लो है से बुलाई सको इतना सर्दी लगी वजे दूसरा जरसे नौते पाते दम जुराब टोपी सारा निगाह मौलाई सर्दी लगी रही है। अच्छा मरका तो मिनट साढ़े वहां मेरा घर बिल्कुल शहर के नाल है शहर के टावर इंडे दे पे पिछो जरा खड़े टावर तकरीबन 1/2 किलोमीटर का ही नहीं शहर दी जरी आबादी है शहर दी कॉलोनी है उंदे तल्ले ही में यानी कि उभे दे उते साडा घर है साडी बस्ती है ते शहर नाल बिल्कुल टच है टिब्बे दे उते शहर है टिब्बे के तल्ले साडी है बस्ती है आबादी है गांव है ते अच्छा मैं तो दसेंदा वहां भिरा इन्हें ने पूछ दे से कितनी पढ़ता भाई क्या हाल चाल है बता क्या करना भी क्या पढ़ता भाई सब तो पता कह नहीं अनपढ़ बंदे इसे सब समझा था सही डी कम करा था काम आस दे सेकंड ईयर हूं। अच्छा डी कम मई दे पेपर दे सम पास पास मुकम्मल थे जा बाकी सेकंड पार्ट बचा पर। अच्छा वाला आगो क्या है? आगो इंशाल्लाह तालीम जारी रख सु बी एस इंग्लिश करे सु इरादा दिए है। अच्छा क्या तो क्या पैगाम देवन चाहती दोस्तों को तालीम के हवाले के नाल या इतों के इलाके वाले जो नौजवान हैं पढ़ते नहीं मकसद है तालीम कने सारे इधर इलाके दी बेसिकली क्यों नहीं पढ़ते 8वीं तक या 9वीं तक आके छोड़ दें सारे ना क्योंकि असर स्टेप तो गुजर गए हैं सारे के सहूलियात गए नहीं हो ये टाइम अगर सारे दोस्त बिराज पढ़ते पन मेहनत करने पन डी जी खान या छोटी तरीम मुख्तलिफ जगह उत्ते उन्हें सोचे कि इतना छोटी वाला सहूलियात करनी मैट्रिक के आके वो फेल थी वन सप्लियाँ गिंदन वो निकल वन मैं इो कुछ बाहर निकल वन डी जी खान चोटी आ वन जिमें गुजारा थी वे करके पढ़न पढ़ाई करन ताकि उन्हें लोग कुछ शिकस्त देवन जिन्हें सको आज तक वो जरूरियात नहीं दिता सको बुनियादी जरूरियात नहीं दिता अगर कलम नल नहीं थी सकता जबान नल कई तरह उन्हें लोग कुछ शिकस्त देवन अपने हकूक गिनन ऐसा को बंदर ते भेड़ बकरियां समेत ये सारे हकूक जो जब्त की थी पन्ना कहीं तरह आके वो अपने हकूक गिनन मैं इो आखसा मेहनत करन पढ़न पढ़न और ये ना सोचन कि सारे नौकरियां नहीं लग जाओ जॉब नहीं मिलती ऐसा को क्यों पढ़ूँ लेकिन जॉब वास्ते मैं जरा मेरा जरा कंसेप्ट जरा मेरा दिमाग काम करने मैं अब मेरे को फ्रेंड आदन मैट्रिक के बाद दो मिसाइल पढ़वा के तू अप्लाई कर नौकरी में लेकिन मेरा दिल नहीं आता नौकरी में मैं सिर्फ पढ़ता ही मकसद वास्ते पिया कि वन के मैं कुछ इो जहाँ काम कर वही अपने इलाके वास्ते अपने वसेब वास्ते जल्द मैं देता ना अपने इलाके के स्टूडेंट को असा जल्द मैं मैट्रिक की चोटी जरीन के मैं सवेरे तो 6 बजे वह भी असर को भेड़ बकरियां की कार उत्ते कोस्टर उत्ते मिले असर को एहसास थे उन्हें लोगों का इन्ने का सर जो सर निकले बाल आते पर उन्हें तक अगर छोटी छोटी बाला देवे सर तलीम हो मैट्रिक तक सर उस्ताद हो अमला पूरा हो गया इतना अजाब ना खाना पवे यहाँ इत गलो मैं इन्हें कोई इो मैसेज देसा मेहनत करन पढ़न जे पढ़ते पैन जे छोड़ गए बलाओ पढ़न आके अपने हकूक गिनन जब तक पढ़ाई ना करे सुन उत तक इन्हें हकूक ना मिल सके। हकूक क्या हैं? क्या सारे हकूक हैं मकसद असर बिने असर बीज आते वेंदे नहीं सर बुनियादी जरूरियात ही कहने सर हकूक तो बेसिकली यह गाल है जरा बुनियाद तो बढ़े नहीं ना सब जरा अमला दिता वेंदे वो अमला मैट्रिक की बेस से सर टीचर होंगे ना सको कोई अगर सर हाई स्कूल है ना वो अजन तक 75 साल दिखे बड़े वो अपग्रेड करने की था असर जरा फीमेल्स वास्ते कोई स्कूल कहने मिडल है उनके भी अमला पूरा कहनी वो हाजरा बह के थोक लगे टीचर कोई ना अंधे ना सिस्टम है और अगर कोई अफसर अंधा भी है वो पहले कॉल करके अंधे भी मैं अंधा पे आज अमला पूरा कराए और तुसा हाई स्कूल का कई बार विजिट करके देखो उनके दे जितना उस्ताद भी हैं अगर वो मैं जल्द पढ़ता भी हूँ करीबन 500 से 700 तादाद लगभग तादाद आई हूँ उनके मैंने देखो 30-35 बाल टोटल हाई स्कूल बैठे ही वजह के स्कूल बाल छोड़ गए और बाले ने इन दफा जरा रिजल्ट है ना हाई स्कूल छोटी बाला का 0.0 पॉइंट हो सी क्यों अमला कहनी स्टूडेंट ने दिलचस्पी कहनी जल उस्ताद हिन कहना हेडमास्टर ही इन्हें सारी चीजें को कौन ठीक कर सकते हैं इन्हें चीजें को आप ठीक करो तो कर सकते हैं बाकी सियासतदान और सारे सरदार असह को बला भी असह को सारे हकूक नहीं देने असा आप आके असा उन्हें घिनने छीनने एक तरह का जो चीज होनी है ना
हथन इधर ही ना वन अगर हूँ अक्सर बाल दावी करें दावी के बाद उन्हें क्या खर्चात करनी होंगे हुकूमत पंजाब हूँ एक अच्छा एकदम कि चोटी जरीन के चोटी डी जी खान तक यानी 24 किलोमीटर है 26 किलोमीटर उन्हें वास्ते दू यूनिवर्सिटी गाली यूनिवर्सिटी दू बस जा रही थे फीमेल तो मेल जो स्टूडेंट चोटी जरीन या चोटी वाला के वेंदन 8 बजे उन्हें को अपना बस के जरिए गाली यूनिवर्सिटी का बस वो चाह वन उ यूनिवर्सिटी में पुजे शाम तक उन्होंने पुजे अगर जो बाल यानी मैट्रिक की खड़े वो अगू तो तलीम जारी नहीं कर सकते अपना चोटी जरीन रहे चोटी जरीन तक है तो मिल सकती है उन्होंने सही गल है सही गल चाह करे कोई मैसेज पैगाम दोस्तों को दे छुड़े सो पैगाम दोस्तों को जेडे दस रे विरान वीडियो पढ़े न इन्हें वीडियो को डिठा करो ज्यादा वाच किता करो ताकि क्या सुना इन्हें कंडीशन थोड़ा जा बेहतर थी वे बाकी अपने उत्ते डिपेंड करना चाहिए है कई इंसान के उत्ते कोई डिपेंड नहीं करना चाहिए ताकि ये इंसान मगो ये कम कर रहे या वो करे ये बिल्कुल एक धोखा होंगे फरेब होंगे और अपनी मेहनत करनी चाहिए है अपना हक खिलना चाहिए मैं यो कोई तमाम दोस्तों को